और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, वो बड़ा खुलासा आपके सामने रख दें जिसमें जिस घोटाले को लेकर नीतीश और लालू अलग हुए, लालू और उनके परिवार के खिलाफ उस घोटाले में हालत खराब है। एक रेलवे अधिकारी के खिलाफ रेलवे टेंडर घोटाले में कार्रवाई की बेहद सुस्त रफ्तार और रेलवे अधिकारी पर मुकदमे को लेकर अब तक रेल मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है। नतीजा यह है कि इससे जुड़े जिन जिन के तार हैं, यानी तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, इन सब के खिलाफ केस नहीं बन पा रहा है, केस अदालत तक नहीं पहुंच रहा है। अधिकारी पर टेंडर में बदलाव कर फायदा पहुंचाने का आरोप है। ये अधिकारी बीके अग्रवाल हैं, रेलवे अधिकारी बीके अग्रवाल पर केस को लेकर अब तक मंजूरी क्यों नहीं, जबकि बिहार में बीजेपी नीतीश की सरकार, रेलवे मंत्रालय में पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, यानी बीजेपी का कब्जा, और केंद्र में भी बीजेपी। आपको दिखाते हैं कि रेलवे टेंडर घोटाला है क्या, इसमें किस किस पर शामिल होने का आरोप है, किस तरह लालू यादव पर रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा, और अब कैसे इस पूरे मामले में ढिलाई बरती जा रही है, देरी हो रही है। जिस घोटाले की वजह से बिहार में सरकार घिरी, जिस घोटाले की वजह से नीतीश ने लालू से नाता तोड़ा, जिस घोटाले का खुलासा कर बीजेपी ने नीतीश से फिर दोस्ती की, उस रेलवे टेंडर घोटाले में अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ मुकदमा। मैं इस वक्त लालू यादव के मॉल की उसी जमीन पर खड़ा हूं जहां से ये सारे विवाद की शुरुआत हुई थी। मॉल की जमीन पर से ही ये टेंडर का कनेक्शन है, जिस मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कई रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की थी। और हमारे पीछे जो नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, इसी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस जमीन को जब्त कर लिया है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश ने लालू की पार्टी से नाता तोड़ लिया था और इस्तीफा देने राजभवन जा रहे थे। करीब एक साल बीत गए, लेकिन भ्रष्टाचार के जिस घोटाले के मुद्दे पर बिहार में सरकार गिरी, उस रेलवे टेंडर घोटाले के केस की फाइल की रफ्तार बेहद सुस्त है। एबीपी न्यूज के पास रेलवे टेंडर घोटाले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट और रेलवे के एक अधिकारी बीके अग्रवाल पर केस चलाने की इजाजत मांगने वाली चिट्ठी है, जिसे देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि रेलवे टेंडर घोटाले में ढिलाई बरती जा रही है। ये वही चिट्ठी है जिसे सीबीआई ने इसी साल 14 अप्रैल को रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस को लिखी थी। इसमें सीबीआई ने आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप मैनेजर बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति रेलवे ने नहीं दी है। अनुमति नहीं देने से हुआ ये कि एक अधिकारी की वजह से अदालत मामले में संज्ञान नहीं ले रही है। एक आरोपी की वजह से लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट होने के बावजूद केस नहीं चल रहा है। रेलवे ने अनुमति दे दी होती तो आरोपियों को कोर्ट आना पड़ता, आरोप तय हो जाते। सीबीआई को अगर अनुमति मिल गई होती तो आरोपियों की गिरफ्तारी तक हो सकती थी, क्योंकि जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है वो सभी गैर जमानती धाराएं हैं। ऐसे में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ सकती थी। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई की चार्जशीट की कॉपी भी मौजूद है। इसमें सीबीआई ने बताया है कि किस तरह आईआरसीटीसी के अधिकारी बीके अग्रवाल ने नियमों को बदला, कोताही बरती। बीके अग्रवाल उस वक्त आईआरसीटीसी के जीजीएम टूरिज्म थे। इस वक्त बीके अग्रवाल रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर हैं। बीके अग्रवाल पर नियमों को बदलने का आरोप है, जिससे सुजाता होटल्स को टेंडर मिलना सुनिश्चित हुआ। टेंडर में बदलाव क्यों किए गए, इसके लिए कोई तर्कसंगत वजह नहीं बताई गई। टेंडर खोलने की प्रक्रिया में कोताही बरती, बिना आईआरसीटीसी के किसी अधिकारी को नामित किए टेंडर खुलवाया, सिर्फ मौखिक आदेश पर अपने अधीनस्थ अधिकारी से टेंडर खुलवाया। सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले में तब के आईआरसीटीसी के अधिकारी बीके अग्रवाल की बड़ी भूमिका रही है, लिहाजा सीबीआई इनके खिलाफ में मुकदमा चलाना चाहती है, लेकिन रेलवे की तरफ से अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई में देरी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने में मिल रही मंजूरी का लालू परिवार के खिलाफ केस पर किस तरह का असर पड़ रहा है। कानून के जानकारों का मानना है कि अगर केस चलाने में देरी होती है तो इसका फायदा आरोपियों को मिलता है।
उनको बेनिफिट इसलिए मिल जाता है कि उनका ट्रायल डिले हो जाता है। ट्रायल डिले होने से जो एक जिज्ञासा रहती है विटनेसेस में या लोगों में कि ट्रायल जल्दी हो, सजा जल्दी हो और सजाई को तुरंत जो ऑफेंडर है उसको तुरंत सजा मिले, सबसे वंचित हो जाता है। क्रिमिनल ट्रायल यदि विलंब से होता है तो विटनेसेस का मन बदल जाता है, वो गवाही देने से पीछे हटने लगते हैं। बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति रेलवे क्यों नहीं दे रहा है, इस पर रेल मंत्री से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये केस अब सीवीसी को रेफर किया गया है, वहाँ से आएगा, उसके बाद हम लोग के पाले में आएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा और सही जो भी कानून पूरी कानून प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। खला नहीं चल रहा है ना। ख्वाब में भी जो चीज नहीं हो सकती वो कहां से आ गई। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा केस है क्या। इसकी शुरुआत हुई 2005 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी में रेलवे के दो होटलों को मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। आरोप है कि होटल को लीज पर देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गई और जब होटल लीज पर मिल गया तो इसके बदले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को पटना में 3 एकड़ जमीन मिली। ये जमीन चाणक्य होटल के डायरेक्टर विनय कोचर ने 1,47,00,000 में बेची, जबकि बाजार में उस वक्त इस जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर थी। सीबीआई का कहना है कि ये कंपनी लालू परिवार की बेनामी कंपनी थी। 2014 में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। लारा प्रोजेक्ट कंपनी में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर हैं। जब सारे शेयर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से लारा प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हो गए तब इस जमीन की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए हो गई। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि 32 करोड़ की जमीन को लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65,00,000 रुपए लेकर ट्रांसफर कर दिया गया। इसी जमीन पर पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा था। इनकम टैक्स और ईडी के जमीन को अटैच करने के बाद इसका काम बंद हो चुका है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।